No more wait. Here is Kapil the Great. Thoko! बड़ा चमक रहा है और बड़ा चिकना लग रहा है तू. Yes bro. Sometimes. पहली शादी आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार है. अच्छा? वो बात अलग है. शादी के बाद सारे अधिकार छिन जाते हैं. आप तो मानते ही हैं. अब मैं भी मानता हूँ. तो आप ही देख लो पाजी, अपने भारत में स्पेशली बॉलीवुड में कितनी शादियां हुई. आप सबको पता होता है, मुझे लगता है पिछले साल की बॉलीवुड की सारी कमाई शगुन डालने में चली गई. आप देख लो, अनुष्का विराट, दीपिका रणवीर, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, सायना नेहवाल, सब बर्बाद हो गए. अच्छा पाजी देखो, सेलिब्रिटीज की जब शादी होती है तो उनके नाम जुड़ते तो कितने अच्छे लगते हैं. आप देखो जैसे आपको पता है कि विराट अनुष्का को लोग बोलते हैं विरुष्का. ट्विटर पे ट्रेंड करता ना विरुष्का हैशटैग. दीपिका रणवीर को बोलते दीपवीर. निक प्रियंका को बोलते निक्यांका. हम जैसे होंगे नाम जुड़ के ना अजीब से हो जाते हैं. सिया और पार्थ, सियापा. है गोपेश और बरखा, गोबर. शीला और जीत. चलो छोड़ो. काका अच्छा और कपिल और गिनी कैपो गिनी. अच्छा बड़े घर की शादियां ना जो वेल प्लान्ड होती पाजी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें क्या मजा. मजा आता है हम जैसे लोगों की शादियों में. बारात निकलने का टाइम होता है एंड टाइम पे ना एक बंदा तौलिया बांध के बनियान पहनी हुई, सर पे डाई लगी, हाथ में पानी वाला मग पकड़ा है, गुस्से में आता है. कई लोग हलवाई समझ के चाय ऑर्डर करते, चाय लेके आना. बाद में पता चलता है फूफा है लड़के का. उसको पूछते हुआ क्या फूफा का, ये बाथरूम कौन गया था. अजीब अजीब चीजें. शादियों के सीजन में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है. सारे गार्डन, बैंक्वेट हॉल, साल एक एक साल पहले बुक हो जाते हैं भाजी. फिर कभी कभी आपको एन मौके पर रिसेप्शन करनी पड़े ना, तो गलियों के अंदर अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना भवन होते हैं जैसे, उसको बुक कर लेते हैं. जिसको गूगल मैप में भी नहीं आता जो, क्योंकि प्लानिंग से तो बना नहीं होता. वो गूगल कहाँ से पकड़े, गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको. परेशानी उसको आती है जिसका वो कार्ड पे ऊपर नंबर लिखा होता है ना कि फॉर इंक्वायरी इसको कॉन्टैक्ट करें. वो फिर सारा दिन रिश्तेदारों को एड्रेस बता बता के पागल हो चुका होता है. हेलो हाँ जी, कहाँ तक, चौक तक आ गए, वही खड़े भाई. अच्छा वहां से वो दूसरा लेफ्ट मारो, गूगल तो बता रहा है पहला. आपको हमने इन्वाइट किया कि गूगल ने इन्वाइट किया. अच्छा जो आदमी इतना भटकने के बाद शादी में पहुंचता है, अगर उसको मनपसंद खाना ना मिले तो वो बीवी पे भड़क रहा होता है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों की शादी. ये सब खाने आए थे चने भटूरे, घर चल तेरी मैं जलेबी बनाता हूँ तेरी आज. अच्छा बड़े लोगों की शादी में अगर गेस्ट बढ़ जाए ना भाजी, फटाफट मैनेजर को बोल के ना प्लेट बढ़वा लेते हैं. हम जैसे लोगों की शादी में मेहमान ज्यादा आ जाए ना तो हलवाई को जाके बोलते हैं इसमें पानी और डाल, पनीर की सब्जी में मिर्ची और डाल, ग्रेवी बना, पनीर जिसकी किस्मत में ले जाएगा वो, तू पानी डाल. अच्छा सबसे ज्यादा प्रेशर होता है गोलगप्पे वाले के ऊपर, जो आठ लोग खड़े और वो अकेला बांटने वाला, तो वो ऑक्टोपस की तरह इधर से निकाल के खिला रहा है. अच्छा सामने तो एक बार में दो तीन आदमी को खिला सकता है, जो चौथा जिसकी बारी अभी नहीं आई उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं. कोई और ले रहा ना गोलगप्पा तो वैसे टेस्ट ले रहा होता है, उसके मुंह में स्वाद आ रहा है पानी का. कुछ लेडीज होती हैं बड़ा हिसाब रखती हैं वो. अगर उनका बच्चा गलती से शादी में दाल चावल खाए ना तो पीठ में मुक्का मारती, दाल चावल खाएगा, दाल चावल तो घर पे भी जाके खा लेगा, उधर काजू की बर्फी दबा जाके चल. कई तो इतने कंजूस होते अपने बच्चे को ना ऑरेंज कलर वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी पिला देते हैं बच्चा संतरी रंग का सुसु कर रहा होता है. अपना ये चंदन नहीं सामने बैठा हुआ है. हाँ ये जेब में मिठाई भर लेता है पता है. हाँ अभी किसी की शादी में गया चोरी तो वो, चोरी हाँ चोरी नहीं वैसे ही हक से लेता है. वेटर लेके आया इसके पास, कहता सर स्वीट डिश प्लीज, चार गुलाब जामुन थे उसके ऊपर, कहता ले चार, आठ तो मेरी जेब में. कई लोगों को सारी बीमारियां शादी में याद आती है, बिल्कुल कड़ाई पनीर से एसिडिटी हो गई. जैसे पहले तुझे कभी हुई नहीं थी पदौड़े कहीं. ये पदौड़ा मैंने पहली बार सुना. होते हैं कहीं. अच्छा हर शादी में ना भाजी एक 80 85 90 साल की अम्मा जरूर होती है, किसी ना किसी घर में मिल जाती, नहीं होती तो किसी की मांग लेते हैं. अच्छा उनको मतलब वैसे चाहे सारा साल ना उनको कोई पूछे
उस दिन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि सारी रस्में उन्हीं को पता होती हैं. तो फिर ऐसे में ना अम्मा बड़ी शानी होती है, कई बड़ी चलाक होती हैं. हाँ. वो अपना फायदा करवा लेती हैं. उनको पूछा अम्मा और कौन सी रस्म बाकी है? तो एक रस्म बाकी है मिष्ठान चढ़ाई. इसमें बूढ़ी महिला को चांदी के चम्मच से जब मलाई खिलाते चम्मच भी उसको दे देते. अरे शादियों में टेंट वालों को बड़ी जल्दी होती है, पता नहीं किस चीज की. अभी दुल्हन रो रही बेचारी, मूड बना रही है क्योंकि रोना कभी कभी नहीं आता है ना. तो बाप गले लग रहा है तो पीछे टेंट वाला, भाई साहब तीन जग नहीं मिल रहे. बेड़ा गर्क तेरा, वो दुल्हन लेके जा रहे, तेरा जग थोड़ी लेके जा रहे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.